ज्योतिषाचार्य जी, छठ पूजा के दौरान खरना में किन लकड़ियों का उपयोग करना चाहिए और क्या महत्व है उस लकड़ी का? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। छठ पूजा में खरना का जो आप प्रसाद बनाएंगे उसमें तो पहला नियम है कि चूल्हा नया होना चाहिए, और उस चूल्हे में आप लकड़ी का जो प्रयोग करेंगे, लकड़ी आप विशेष ध्यान रखें कि आम का ही होना चाहिए। आम को इसलिए मिला है कि कोई भी आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो जिस प्रकार से फूल और बेलपत्र एकत्रित करते हैं शुद्ध जान करके, उसी प्रकार से आम का पत्ता भी लगता है। और आम जो है, आम हमारे हिंदू धर्म में पवित्र वृक्ष माना गया है जिसकी पूजा होती है। तो आम का लकड़ी ही होमाद हवन में भी प्रयोग किया जाता है। किसी देवताओं का जब हवन करेंगे तो आम की ही लकड़ी लगती है, इसलिए आम को पवित्र मान करके खरना में जो आप लकड़ी का प्रयोग करेंगे वह आम का ही होना चाहिए विशेष रूप से।